हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिसेंटली रिलीज्ड मूवी जिसका नाम है फ्रेडी। और इसका रीज़न ये है कि मेरे को इसमें कार्तिक आर्यन की परफॉर्मेंस पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमको एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रेडी है, जो कि पेशे से एक डेंटिस्ट है और उसकी अब तक शादी भी नहीं हुई है। इसलिए वो मैट्रिमोनियल साइट्स पर अपनी प्रोफाइल डालकर बहुत सारी लड़कियों से मिलता है, लेकिन उसके बिहेवियर की वजह से कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं करती। लेकिन फ्रेडी को यकीन होता है कि एक ना एक दिन उसे अपनी सोलमेट ज़रूर मिलेगी। फ्रेडी एक इंट्रोवर्ट है, वो बिल्कुल अकेला है, उसकी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उसके माँ बाप भी बचपन में ही चल बसे थे। उसका एक पालतू कछुआ है जिसका नाम हार्डी है और वो उसको बहुत ज़्यादा प्यारा है। बहुत से लोग फ्रेडी का मजाक भी उड़ाते हैं क्योंकि वो रोज़ लड़कियों से मिलने जाता है ताकि उसे सोलमेट मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। एक दिन फ्रेडी किसी शादी में जाता है, वहाँ पर उसे एक लड़की दिखती है और वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। फ्रेडी उससे बात करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसको पता चलता है कि वो पहले से ही शादीशुदा है। और जो उसका हस्बैंड होता है वो फ्रेडी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी करता है और उसको मारता है। सोते टाइम भी फ्रेडी उसी लड़की के बारे में सोचता है। अगले दिन जब फ्रेडी अपने क्लिनिक आता है तो वो लड़की उसको वहीं पर दिखती है जो कि अपने दांतों को ठीक कराने के लिए आई थी। इस लड़की का नाम कायनाज होता है। फ्रेडी उसके दांतों का इलाज करता है और ऑपरेट करते टाइम उसी को जी भर के देखता है। फ्रेडी हर वक्त कायनाज के बारे में ही सोचता है। हम देखते हैं कि अगले दिन कायनाज फिर चेकअप कराने आई है। फ्रेडी उसको कुछ मेडिसिन देता है और बोलता है कि तुम्हें कल दोबारा आना पड़ेगा। फ्रेडी अब कायनाज से प्यार करने लगा है, इसलिए वो उसके घर जाता है जहाँ उसको पता चल जाता है कि कायनाज का हस्बैंड बहुत अच्छा नहीं है, वह उसको हर रोज़ मारता पीटता है। फ्रेडी से यह सब कुछ देखा नहीं जाता तो वो वहाँ से अपने घर आ जाता है। अगले दिन फ्रेडी कायनाज का वेट करता है क्योंकि आज उसकी अपॉइंटमेंट थी। फ्रेडी कायनाज को फ़ोन करके पूछता है कि आखिर आज तुम क्यों नहीं आई। वो उसको बताती है कि उसका हस्बैंड उसको बाहर आने नहीं दे रहा। फ्रेडी फिर उसको एक पार्क में बुलाता है ताकि वो कायनाज के दांतों का इलाज कर सके। फ्रेडी के पूछने पर वो बताती है कि मेरा हस्बैंड मुझे बहुत पीटता है और अब्यूज़ भी करता है। कायनाज का पति एक रेस्टोरेंट का मालिक भी होता है। ये वही रेस्टोरेंट होता है जहाँ फ्रेडी उन लड़कियों से मिलने जाता था। रात को फ्रेडी कायनाज को कॉल करके बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। फिर वो उसको बोलती है कि रात को कॉल मत किया करो क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डरती थी। लेकिन वो दोनों एक कॉफ़ी शॉप पर मिलते हैं जहाँ फ्रेडी कायनाज को एक बुक गिफ्ट करता है और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब भी आ जाते हैं। ये दोनों साथ में घूमते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और मूवीज़ देखते हैं। कुछ दिन कायनाज फ्रेडी से मिलती नहीं और ना ही उसका कोई फ़ोन उठाती। इस बात से फ्रेडी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कायनाज से मिलने उसके घर जाता है। वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने उसे बहुत मारा था, इसलिए वो आ नहीं पाई थी। तभी फ्रेडी कायनाज को शादी के लिए प्रपोज़ करता है, लेकिन कायनाज बोलती है कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। एक दिन फ्रेडी कायनाज को पार्क में बुला के बोलता है कि हमें तुम्हारे पति को रास्ते से हटाना पड़ेगा, लेकिन कायनाज इस बात से एग्री नहीं करती। तो फ्रेडी उसको समझाता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, जो करना है वो मैं करूँगा। उसके बाद फ्रेडी रुस्तम को मारने की प्लानिंग करता है और वो उसकी रोज़ की एक्टिविटी को भी नोट करता है। फ्रेडी को पता चलता है कि रुस्तम हर शाम घूमने के लिए बाहर निकलता है। तब फ्रेडी अपनी कार से उसका एक्सीडेंट कर देता है और उसको वहीं पर मार देता है। ये सब करने के बाद फ्रेडी अपने फार्म हाउस पर चला जाता है। साथ ही वो कायनाज को भी समझाता है कि एक हफ्ते तक ना तुम मुझे कॉल करना ना मैं तुम्हें कॉल करूँगा। अगले एक हफ्ते तक वो अपने फार्म हाउस पर ही रहता है और वहाँ वो कायनाज को याद करता है, उसको महसूस करता है। अब एक हफ्ते बाद फ्रेडी कायनाज के घर जाता है, लेकिन वहाँ वो देखता है कि वो किसी दूसरे लड़के के साथ है और बहुत इन्जॉय कर रही है। फ्रेडी को पता चल जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। कायनाज ने इस लड़के को पाने के लिए रुस्तम को मरवाया है। कायनाज उसे धमकियां देकर वहाँ से निकलवा देती है कि अगर आज के बाद तुम यहाँ दिखे तो पुलिस को तुम्हारे बारे में बता दूंगी कि तुमने रुस्तम को मारा है। फ्रेडी अपने घर आ जाता है, लेकिन अब वो बिल्कुल टूट चुका है। कायनाज भी अपने हस्बैंड के रेस्टोरेंट की मालकिन बन चुकी है। फ्रेडी ये सब कुछ भुलाने के लिए अपनी आंटी के घर जाता है, लेकिन फिर भी कायनाज की यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही होती हैं। फिर वो रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन कायनाज और उसका बॉयफ्रेंड उसे वहाँ से जलील करके निकाल देते हैं। अगले दिन जब कायनाज और उसका बॉयफ्रेंड घर से चले जाते हैं तो फ्रेडी पीछे से आके उनके खाने में नींद की दवाई मिला देता है। साथ ही उसके हैंड वॉश में कोई केमिकल मिला देता है जिससे कायनाज को एलर्जी हो जाए और उनके आते ही वो बाहर छुप जाता है। जब रात को कायनाज और रेमंड सो जाते हैं तो फ्रेडी दोबारा आता है और वो सारे सबूत रेमंड के फ़ोन से मिटा देता है और कायनाज के फ़ोन से वो खुद को कुछ मैसेज करता है। जब देर रात हो जाती है तो कायनाज की आंखें खुलती हैं और उसको पता चलता है कि उसके पूरे फेस पे एलर्जी हो चुकी है।
इसलिए रेमंड और कायनाज गाड़ी से हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में उनका ज़ोरदार एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि फ्रेडी ने उनकी कार के ब्रेक फेल कर दिए थे। अगले दिन कायनाज जब अपने घर पर होती है तो उसको पता चलता है कि फूड सप्लाई वाला ने उसके घर पर छापा मारा है। किसी कस्टमर ने इनकी शिकायत की होती है क्योंकि उसके खाने में उनको छिपकली मिली थी। ये दोनों जब अपने रेस्टोरेंट जाते हैं तो उनको वहाँ पता चलता है कि फ्रेडी ने ये सब किया है, इसलिए वो दोनों फ्रेडी के घर जाते हैं। फ्रेडी को ये लगता है कि वो दोनों सॉरी मांगने आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। रेमंड आते ही फ्रेडी को पीटने लगता है और वो उसको इतना मारता है कि फ्रेडी को खून निकलने लग जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। कायनाज उनको समझाने की कोशिश करती है कि फ्रेडी ने ही मेरे हस्बैंड को मारा है और इसी ने ही हमारी गाड़ी के ब्रेक फेल करे थे और इसी ने ही हमारा रेस्टोरेंट बर्बाद करने की कोशिश करी है। लेकिन पुलिस वाला कायनाज की एक भी बात का यकीन नहीं करता। कायनाज उनको सबूत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उनके फ़ोन से सारी फ़ोटोज़ डिलीट हो चुकी थी जो कि फ्रेडी ने खुद करी थी। एक दिन जब फ्रेडी अपने घर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ है। फ्रेडी को पता चल जाता है कि ये काम कायनाज और उसके बॉयफ्रेंड ने किया है, इसलिए वो कायनाज को कॉल करके बताता है कि मैंने भी तुम्हारे घर पर सांप छोड़ा है। इसलिए वो डर जाती है और होटल में चली जाती है। लेकिन फ्रेडी को पता चलता है कि उसका पालतू कछुआ वहाँ पर नहीं है। फिर सीसीटीवी फुटेज से उसको पता चलता है कि रेमंड उसका कछुआ ले गया है। अगले दिन फ्रेडी उसी जगह जाता है जहाँ उसने रुस्तम को मारा था। वहाँ पर वो एक भिखारी को रुपए देता है क्योंकि वो उस रात वहीं पर था। फिर वो भिखारी पुलिस के पास जाता है और बताता है उस रात को बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन मैंने गाड़ी का नंबर देख लिया था। पुलिस को जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि ये गाड़ी फ्रेडी की है। फिर वो फ्रेडी को बुलाते हैं। फ्रेडी उनको बताता है कि ये कार मेरी है, लेकिन इसको रेमंड लेकर गया था। फिर उनको मैसेज भी दिखाता है कि इन दोनों ने मेरे पास मैसेज भेजा था कि अगर मैं पुलिस को कुछ भी बताता हूँ तो ये दोनों मेरे को मार देंगे। पुलिस वाले कायनाज और रेमंड को बुलाते हैं पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए, लेकिन तभी उनके पास फ्रेडी का फ़ोन आ जाता है। कायनाज उससे पूछती है कि तुम्हें आखिर क्या चाहिए। फ्रेडी उसको कहता है कि मैं ये सब कुछ ख़त्म करना चाहता हूँ, और वो उनको अपने फार्म हाउस पर बुलाता है। ये दोनों फार्म हाउस जाते हैं, वहाँ फ्रेडी पहले से ही मौजूद होता है, लेकिन वो दोनों सॉरी बोलने के लिए नहीं बल्कि फ्रेडी को मारने के लिए ही आए थे, इसलिए ये उसकी गन छीनकर उसी पर हमला कर देते हैं। बाद में कायनाज को पता चलता है कि ये गन बिल्कुल खाली है। जब रेमंड फ्रेडी पर हमला करने लगता है तो वो उन दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है और इन दोनों को बांध देता है। फिर फ्रेडी कहता है कि तुमने बहुत कुछ किया मेरे साथ, लेकिन मेरे कछुए को मार के ठीक नहीं किया। उधर पुलिस कायनाज के घर पहुंच जाती है क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट था पुलिस स्टेशन, लेकिन वो नहीं आए थे। जब पुलिस सीसीटीवी कैमरा चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि रेमंड और कायनाज दोनों घर छोड़कर जा चुके हैं। इधर हम देखते हैं कि फ्रेडी रेमंड के दांत निकाल देता है बिना एनेस्थीसिया के। रेमंड बहुत चिल्लाता है और मर जाता है, लेकिन फ्रेडी उसे ले जाकर दफना देता है। फिर वो कायनाज के साथ भी ऐसा ही करता है, उसके सारे दांत निकाल देता है और उसे ज़िंदा दफनाने के लिए बाहर ले जाता है। लेकिन दफनाने से पहले वो कायनाज को बोलता है कि मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूँ, और उसे वहीं पर गाड़ देता है। और फिर वो उन दोनों की कब्र के ऊपर लेट जाता है, जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा सुकून मिला हो। और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो गाइज़, ये था इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यार चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, आई विल सी इन नेक्स्ट वीडियो।